Rediff, Yahoo, MSN और Bling ने वर्ल्ड वाइड किया और हमें 8 मिलियन व्यूज़ मिले, हमें उससे ज़्यादा व्यूज़ मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट ये बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए, बिकॉज ये हमारा पहली इंफॉर्मेटिव टीज़र है और इसमें जैसे जिस तरीके से हमने इमोशंस और तकनीक दिखाया है अपने छोटे से 2 मिनट के फिल्मों में, तो लोगों को एक बात समझ आ गया है कि हाँ इंडियन डायरेक्टर्स में कैपेबिलिटी है कुछ नया करने का. और इस मूवी में हमें कुछ करा नया देखने को मिलेगा. एक्चुअली ये हॉलीवुड मूवी है और ये एक हॉलीवुड मूवी है एक क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर, जो मैंने दौर शुरू किया है. अब मेरी सारी मूवीज़ क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर है. और ये जो आफ्टर जेडी का जो मर्डर होता है उसके बाद क्या होता है, जो जस्ट जर्नलिस्ट कैसे फाइट करते हैं उनके राइट्स के लिए, और जो हमारे जो कहते हैं ना कि सोसाइटी हीरोज बोला जाता है जो हमारे क्राइम जर्नलिस्ट को, उन्होंने मेरे को हीरो एज ए हीरो दिखाया है इन लोगों को. बट ये सारी एक जो कवर होती हैं, जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ होती है लंदन की, यूके न्यूज़पेपर जो क्राइम एडिटर होती है वो इसको करती है, रिवील करती है. तो ये वो चाहती थी ये स्टोरी ब्रेक करना, बट स्टोरी इनकम्प्लीट थी. फिर वो इंडिया आती है, फिर उसकी स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है. तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भिन्नता जो है बाकी हॉलीवुड मूवी से, मैं कहूँगी क्योंकि इंडियन मूवी के ऊपर मैं बात नहीं करके हॉलीवुड के, मैंने अपना रिसर्च किया था, मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ का देखा कि काफ़ी सारे क्राइम बेस्ड मूवी है या जर्नलिज्म बेस्ड इतना है नहीं. मुझे मैंने सारा जगह देखा कि मतलब एक तरह का एक छोटा सा दिखाया है पार्ट, फिर भी 10 मिनट्स का दिखाया है या 15 मिनट का दिखाया है, बट कम्प्लीट जर्नलिज्म के ऊपर नहीं है. तो इवन इन हॉलीवुड इट इज़ न्यू, टोटली न्यू आउट देयर. और इसमें हम लोग इंडियन जर्नलिज्म की ग्रेटनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या है कि सबसे ज़्यादा तो एक चौंकाने वाली बात है जो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मुझे जो एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, और इंडियंस में भी ऐसी है, बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी मिली है. क्योंकि क्या होता है कि हर एक अपने अपने तरीके का सिनेमा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर इसमें क्या है कि कुछ नयापन तो है बट एक यूथ अपील है. एक यूथ अपील मुझे लगता है कि एक सिनेमा में होना बहुत ज़रूरी है, और ये यूथ अपील इस मूवी में सबको दिखने को मिलेगी. अच्छा, वो पीछे जो हम देख रहे हैं वो पोस्टर है रेड का, तो इस तरह का क्या है उनका? एक्चुअली क्या होता है, एक जर्नलिज्म और एक जर्नलिस्ट की लाइफ इसके बिना अधूरी है. और इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एम्प्टी इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो आइडियाज़ और वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जर्नलिज्म क्या है और एक जर्नलिस्ट क्या फील करता है, उसको हम समझा नहीं सकते लोगों का फेस दिखाकर या किसी एक्टर का फेस दिखाकर या किसी को दिखा के, हम दिखा नहीं सकते. ये आपकी अंदरूनी फीलिंग है जो आप इसको पीछे दे के महसूस करो. एक रिसर्च, एक इंटरनेशनल रिसर्च और एक जो जेडे मर्डर केस ट्रायल केस जो हुआ है, जैसा देखेंगे पोस्टर में ये काफ़ी पॉपुलरली दिखाया गया है. तो जर्नलिज्म जो है वो वर्ल्ड वाइड है, क्राइम जर्नलिज्म भी है वर्ल्ड वाइड, बट इंडियन जर्नलिज्म क्या है वो कैसा है, तो उसके ऊपर दिखाया गया है. और मैंने सोचा कि एक नया टाइप का हम पोस्टर बनाएंगे जिसमें सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसी को दिखाएंगे, और इसमें हम कोई एक्टर्स नहीं दिखाएंगे या उन्होंने 10 लोग खड़े हुए थे या ऐसा क्रांति दिखा रहे हैं. क्योंकि अगर आप क्रांति सोचोगे तो क्रांति को महसूस करना होता है. अगर आप क्राइम जर्नलिज्म देखें इंडिया में, अगर हम क्रांति लाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको एक इमेज नहीं दे सकते, किसी का फेस नहीं दे सकते. तो इसमें सिर्फ आपको जेडी ट्रायल वॉयर या वो देखेगा, और जो रिसर्च जो यूके से जो क्राइम जर्नलिस्ट करने आती है इंडिया में उसकी रिसर्च दिखेगी. तो हर एक टाइप का मैं चाहती थी लोग महसूस करें इसके उस पोस्टर के थ्रू, और हम लोग जो मूवी में दिखाना चाहते हैं उसको हम दर्शा पाए. हाउ कैन यू डिफाइन द टाइटल ऑफ रेड? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टोरी एंड टाइटल रेड? स्टोरी रेड, रेड मतलब खून. और खून क्या होता है, जो जर्नलिज्म जो होता है या जो जर्नलिस्ट है जलाए गए हैं, आपके नॉर्थ में भी किसी जर्नलिस्ट को जिंदा जलाया गया था, तो क्या चीज़ थी? खून. तो खून के पसीने जलाए निकलते हैं. क्राइम जर्नलिज्म मतलब क्या होता है? खून के पसीने, क्योंकि वो रात को काम करते हैं, उनको ब्रेकिंग स्टोरी रात को मिलती है. तो इस तरीके से मैंने एक खूनी जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रेड सोचा, और ये टाइटल रजिस्टर्ड है हमारे साथ, तो इसलिए मुझे मतलब ये टाइटल लेके मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से किया कि चाहे आप पत्रकारिता में बहुत ही आगे हो या पीछे हो या कैसे भी हो, बट कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि जो खून जो है
दिखता जर्नलिज्म का, वो उसके लिए कोई हम लोग सोचते नहीं हैं। हम लोग कैंडल लाइट मार्च करते हैं, हम काफ़ी कुछ बात करते हैं, हम न्यूज़ में चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल क्या कहते हैं प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ डिफरेंट टाइप से दिखाना चाहती हूँ उस मूवी में, जो रेड टाइटल है, और इसलिए मैंने जो टाइटल रेड को बहुत ही सोच समझ के किया ताकि लोग इसको कनेक्ट कर सकें और समझ सकें। और ये हॉलीवुड मूवी है तो उनके लिए कनेक्ट करना बहुत जल्दी ईजी हो जाता है एक्चुअली। तो इससे उनसे याद आया कि सुभाष चंद्र बोस ने भी और एक स्लोगन दिया था कि आप मुझे, आप हमें अपना खून दीजिए, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। तो क्या आप इस ज़माने के सुभाष चंद्र बोस बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक मूवी बना रही हूँ और कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी को फॉलो करने से अच्छा है कि मैं किसी और चीज़ में करूँ। जैसे हमारा जो भारत पूर्ण निर्माण है, तो रीडेवलपमेंट, अगर हम अपने मीडिया के लोगों को हम ज़्यादा चांस दें, उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, अगर इस माध्यम के थ्रू कराया जाए, जैसे अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो नुक्कड़ प्लेस होते हैं, स्ट्रीट प्लेस होते हैं, अभी भी होते हैं। अगर आप लखनऊ या यूपी या आप किसी बिहार में जाइए, बॉम्बे में भी होते हैं नुक्कड़ प्लेस। और ये हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशनल है और थिएटर जो है, ये इसको रिवाइव किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि हमारी जो सभ्यता इंटैक्ट है। दूसरा चीज़ है कि जो अगर हम नयापन लाना चाहते हैं तो अपने यू नो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू करें। अभी आप देखिए कि कितने लोग आते हैं बॉम्बे में, कितने लोग आते हैं अलग जगह में, करने कुछ और आते हैं, बन कुछ और जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी महत्व बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैंने सुभाष चंद्र बोस की जो बात करी है, जैसे आपने कि मुझे खून दो, मुझे तो खून तो मुझे नहीं चाहिए, मुझ में विश्वास करिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और इस मीडिया में करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस मीडिया के क्षेत्र से एम्प्लॉयमेंट हो। और हमारा जो गेट कनेक्टेड प्रोग्राम है, जो 14 से 18 साल को जो हमें एकत्रित करता है, हमने जो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए ओपन कर दिया है, अब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप एक टैलेंट चूज़ करके कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है भारत पूर्ण निर्माण, जो हम मीडिया के थ्रू करना चाहेंगे, उनको एम्प्लॉय करेंगे, वो वैन में जाके जगह जगह गांव में सी कैटेगरी सिटीज़, बी कैटेगरी सिटीज़ में जाके मूवी दिखाएंगे और बात करेंगे कि समस्या क्या है। तो क्या होता है कि काफ़ी लोग टीवी नहीं देखते हैं और काफ़ी जगह सिनेमा भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, हम सिर्फ इस मल्टीप्लेक्स की उसमें हम अटक गए हैं। और ये जो मल्टीप्लेक्स का जो टेक्नोलॉजी है, ये 2 साल बाद या 3 साल बाद नहीं रहेगा, अभी तो सब कुछ बहुत ही अलग हो गया है। तो तब क्या होगा? अभी क्या है कि जो मल्टीप्लेक्स में लोग घूमने जाते हैं, वो ऊपर कुछ खाने जाते हैं और एसी खाने जाते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो वो पार्क होता है मिलने की जगह, या कोई कुल्फ़ी वाले के वहाँ मिले, या गोलगप्पे के वहाँ मिले, या एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। पर मैं ये करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो थिएटर हैं, जो स्ट्रीट प्ले हैं, इनके थ्रू इनको एम्प्लॉय करके जगह जगह जो प्रचार करना चाहिए, जो उनके टैलेंट को दिखाना चाहिए, एक तो वो, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट आप इसमें कर रहे हैं कि चैनलाइज करें, दूसरा इनमें से जो भी टैलेंट है अपने ही रीजनल मूवी और अपने ही मूवी में आप चांस दे रहे हैं, और तीसरा चीज़ ये है कि वो जो क्या कहते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, जो भारत गवर्नमेंट सोचती है कि सब दूरदर्शन में करने से प्रचार होता है या किसी बड़े स्टार को लेकर आओ तो प्रचार होता है, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले हमें जो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हमें इंटरनली स्वच्छ होना पड़ेगा। और इंटरनली स्वच्छ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्वच्छता घर से आती है, और हमें अपने दिमाग में नया सोच लाना पड़ेगा, तो तभी हम लोग स्वच्छ होंगे। तो मुझे लगता है कि जो रेड जो मूवी है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेरे में विश्वास करिए, और वो विश्वास सिर्फ खून से हो सकता है, और मैं करके दिखाऊंगी रिजल्ट आप लोगों को। आपने जर्नलिज्म का ही सब्जेक्ट क्यों चुना? क्योंकि जर्नलिज्म का सब्जेक्ट मुझे लगता है कि किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है। मैं एक क्राइम बेस्ड डायरेक्टर, एक जॉनर मैंने पकड़ा है क्राइम बेस्ड, और मुझे जो लगता है जो क्राइम बेस्ड स्टोरी है अभी तक जो प्रॉपर जर्नलिज्म के ऊपर करी नहीं गई है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और इंडिया में भी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक सिनेमा भी बनाया जाए, बट इन अ एंटरटेनिंग वे।
इसलिए मैंने एक जॉनर पकड़ा क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर, और उसी के ऊपर मैंने सारे जो मेरी रिसर्च और मेरी मूवी उसके बेस पे है। सी मैंने जो एक्टिंग इसमें करी है, मुझे लगा कि जो मेरी टीम ने बोला कि जिस टाइप का कैरेक्टर रेबेका लॉसन प्ले कर रही है, जो यूके की जर्नलिस्ट होती है, तो वो जो महसूस करना और उसकी एक्टिंग करना, मुझे अपने ही टीम लोगों ने इंकरेज किया कि आप करोगे तो आप जस्टिफाई कर पाओगे रोल को, क्योंकि ये चीज़ महसूस करने की चीज़ है। और फिर आप किसी को वर्कशॉप कराओगे, फिर वो उस किरदार में आएगा, फिर डिक्शन का, फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हमारी टीम ने ये बोला कि आप करिए ये, तो इस कैरेक्टर में आप बहुत ही जेन्युइन दिखोगे, तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर किया और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया इस कैरेक्टर को। जी, भारत पुनर्निर्माण जो है और गेट कनेक्टेड, लोग इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे? आप बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है एंटरटेनमेंट में, तो किस तरह से लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे? ये हमारा वेबसाइट है www.getconnectedindia.com में, पहले आप वहाँ जाइए, और हमारा मोबाइल ऐप अभी आपको जाएगा आपका, उसमें आप मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं getconnected.com में। इसमें जो है ये 14 से 18 साल के लोग उसमें कर सकते हैं अप्लाई, और उसमें आपको अपना जो जिस फील्ड में आप हैं उसको आप चूज़ करके उसमें सबमिट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आपको बुलाएंगे कि आपको यहाँ डिटेल्स भेजनी है। दूसरी चीज़ है कि आप जो भारत पुनर्निर्माण है उसमें भी आप सेम वे से वेबसाइट थ्रू आप कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा। मैडम एक अपील होगा आपको, जर्नलिज्म का रोल करके कैसा लगा और क्या उम्मीद रखती हो पब्लिक से? पब्लिक मुझे लगता है कि पब्लिक मुझ में काफ़ी विश्वास इसलिए करेगी क्योंकि एक मैं यूथ वॉइस ऑफ इंडिया करके मुझे लोग जानते हैं, और उससे पहले यूथ वॉइस वर्ल्ड वाइड जानते हैं क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की इन्वेंटर रह चुकी हूँ। क्योंकि मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था 13 इयर्स में, तो एक लोग सोचे थे कि अगर ये कर सकती है 13 इयर्स में बिज़नेस शुरू, तो ये एक गेट कनेक्टेड प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक विश्वास जो है कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट करती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि किरदार से बहुत ही मुझे लाइक करेंगे। कैसा लगा मैडम जर्नलिज्म का रोल करके, क्या मैसेज देना चाहेंगे रियल जर्नलिज्म? रियल जर्नलिज्म मुझे लगता है कि लोगों ने जस्टिस नहीं किया है अभी तक, और मैं चाहती हूँ कि अपने मूवी के माध्यम से मैं वो जो मूवी और रियलिटी है शोकेस कर सकूँ अपने एक्टिंग से। जब मूवी आएगी तो आप खुद देख लीजिए कि क्या आप लोग बेस्ट है फीडबैक देने में। पर ये महसूस किया कि चैलेंजिंग तो होता ही है और हर एक दिन जिया जाता है। मुझे जो लगता है जो क्राइम जर्नलिस्ट की जो लाइफ होती है, जब मैंने किरदार किया था तो मुझे लगा कि हर एक दिन जीना पड़ता है इसमें, कि प्रॉपरली कि क्या है अब ब्रेकिंग स्टोरी, क्या अभी मुझे क्या करना है, तो हर एक दिन जीना पड़ता है। तो ये बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या एक्टिंग में करते हैं या किसी और चीज़ में, तो इस तरीके से मुझे लगा।